गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब आज हम ले रहे हैं मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो ये दो इंटरनल ऑडिट के से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, तो ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है ये है क्या? ये जो ऑडिट है ये टॉप टू बॉटम का मतलब चेयरमैन के बाद में जो काम करते हैं, मान लो जीएम, उसके बाद में एडिशनल जीएम, डीजीएम, डिप्टी जीएम, जीएम एडिशनल, डिप्टी जीएम, असिस्टेंट जीएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये जो पूरी चेन है, फंक्शनल जो चेन है, इसका टॉप टू बॉटम जो ऑडिट है ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑडिट। पर्पज क्या है इसका? कि ये जो जनरल मैनेजमेंट है, नाम से ये पता लगता है इस मैनेजमेंट सिस्टम का कि जो जनरल मैनेजमेंट है वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है या नहीं। अभी तक का हमारा जो ऑडिट होता था वो ऑडिट बेसिकली लॉ के हिसाब से स्टेट्यूटरी ऑडिट था। ये है बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट ऑडिट को और उसके बाद में हम समझते हैं ऑपरेशनल ऑडिट को। ओके, तो अब हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम ये ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट। इसका स्कोप क्या है ये हम देखने हैं। स्कोप क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप? सबसे पहले कि ये जो कंपनी खोली गई, ऑर्गेनाइजेशन खुला, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज क्या था, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव या पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विजन एंड मिशन। विजन, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन आजकल तो वेबसाइट पे मिल जाता है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था आपको, जीएम, डीजीएम, एडिशनल, ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है उसको कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है, जो एमआईएस सिस्टम है, कौन कौन सी रिपोर्ट, किस किस बारे में रिपोर्ट जीएम लेता है एजीएम से, एजीएम उसके नीचे से। नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, फिर क्या नेचर है, किस तरह का नेचर ऑफ प्रोडक्शन या बिजनेस, स्टील इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सीजनल है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बिजनेस का नेचर है ये हमको समझना। ओके, नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। ओके, उसके बाद में क्या प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्रोडक्शन की क्या प्लानिंग है,
पर्सोनल की क्या प्लानिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग, मैटेरियल मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सब देखेंगे। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बुक्स रखी जा रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसका जब हम ऑडिट करते हैं, है ना, रिव्यू करते हैं, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ये मैनेजमेंट ऑडिट होता किस लिए, वाई मैनेजमेंट ऑडिट, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो किस लिए है? वाई मैनेजमेंट ऑडिट, वाई, वाई ऑडिट, तो हमने क्या समझना है, क्या होता है मैनेजमेंट, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये हमने समझा। मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक पूरे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, सेल्स, पर्सनल, जितने भी फंक्शनल स्टाफ हैं, फंक्शनल प्रोसेस हैं, इन सब का ऑडिट होता है। ओके, किस लिए होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, फॉर डिटेक्टिंग, सही नहीं चल रही है, लॉस में चल रही है, फॉर डिटेक्टिंग और ओवरकमिंग ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, फॉर डिटेक्टिंग ओवरकमिंग ऑफ करंट प्रॉब्लम, टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, हमने कुछ सोचा कि अपना प्रोडक्शन डेढ़ गुना बढ़ाना है, दो गुना बढ़ाना है, सेल्स का ये टारगेट पूरा करना है, या जो सिक इंडस्ट्री है, एलिंग इंडस्ट्री, उसको सपोर्ट देने के लिए, साथ ही साथ ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जहां पर कि खुद स्टेक इन्वॉल्व नहीं होते, अफसर्स, है ना, दूसरे का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा, यहां पर मैनेजमेंट ऑडिट की नीड होती है। अब आ जाइए, ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने समझा क्या होता है और क्यों होता है, अब कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट ऑडिट है, एक टॉप लेवल पे, कंपनी का टॉप लेवल पे एक पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी डिवाइस की जाती है, पॉलिसी डिवाइस फॉर मैनेजमेंट ऑडिट। इसके लिए क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल भी मदद की जा, एक्सटर्नल भी हेल्प ली जा सकती है, जनरली इंटरनल ये देखते हैं मैनेजमेंट करने के लिए कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, फिर वो स्टाफ को ए डिपार्टमेंट से, बी डिपार्टमेंट से, सब डिपार्टमेंटों से कुछ कुछ स्टाफ लिया जाता है, उस स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस द्वारा पर्पज और मेथोडोलॉजी समझाई जाती, और वो मेथोडोलॉजी समझ के आपस में ही, कोई सेल्स से एक आदमी ले लिया, एक परचेस से ले लिए, सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है, उसके बाद में इस स्टाफ का डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए एलोकेशन किया जाता है,
फिर उनको रिसोर्सेज भी, कोई कंप्यूटर वगैरह चाहिए, रिसोर्स का भी एलोकेशन होता है, पहले एलोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, फिर अदर एस्पेक्ट के टाइम क्या होगा, अदर एस्पेक्ट्स, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीजें हम लोग डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। ओके, अब ये कंडक्ट कैसे करते हैं, हाउ कंड, ये जो है ना डिवाइड कर ली पूरी पॉलिसी, तो ये जनरली क्या है, ये जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है ये कैसे करते हैं, हाउ, तो ये क्या होता है, इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे, प्रॉब्लम्स पे इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, लेकिन फिर क्वेश्चनर बनाते हैं, क्वेश्चनर के बेसिस पे कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूजन लेते हैं कि यहां ये चेंज होना चाहिए, और इसके बाद में जनरली ओरल रिकमेंडेशन, ओरल रिकमेंडेशन होती है फॉर इंप्रूवमेंट, ओरल रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट, ये सारी जो है प्रोसेस होती है मैनेजमेंट ऑडिट की। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं और क्या क्या पॉइंट होते हैं क्वेश्चनर में, ये हम समझते हैं मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर। ओके, तो एक हमने किया मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग फंक्शन को करते हैं, एक हम करते हैं मान लो मार्केटिंग फंक्शन की, एक हम करते हैं पर्सनल फंक्शन, तीन फंक्शन देखते हैं अभी। तो मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन में हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरव्यू, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग का ओवरव्यू, और मैन्युफैक्चरिंग के ओवरव्यू के बाद में सबसे पहले लेते हैं पूरी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके बेस पे सेल्स और इन सबको देख के फिर अपन करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। ओके, प्रोडक्शन देखते हैं उसके बाद में, प्रोडक्शन प्लानिंग के बेसिस पे इन्वेंटरी के बेसिस पे परचेज। सबसे पहले क्या है, मान लो हम मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले सेल का, पहले अपन मार्केट प्लानिंग करेंगे, उसके बाद सेल का ओवरव्यू लेंगे, एडवर्टीजमेंट पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, मार्केट सर्वे पर, सर्वे या मार्केट रिसर्च, इनके बेसिस पे हम एक एस्टीमेट बनाएंगे कितना हमको प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग का ओवरव्यू लेंगे कि इतने तक हमारे को 10,000 टन तक का फर्टिलाइजर का ऑर्डर मिल सकता है, तो उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन का ओवरव्यू बनाएंगे कि भाई ओवरव्यू हम तो जी 8,000 तक की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें 3 शिफ्ट चलानी होगी, ये हम देखते हैं, तो उसका फिर प्रोडक्शन होना होगा, उसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए और उस रॉ मटेरियल को परचेज करना, ये सारी हम प्लानिंग करेंगे। पर्सनल के लिए पीएम पर्सनल का ओवरव्यू लेंगे, और कितने पर्सनल चाहिए,
पर्सनल का सबका ओवरव्यू कितने हैं, एग्जिस्टिंग फ्यूचर में कितने चाहिए और हमारे कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये सारा देखने के बाद में इन सब के लिए हम लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज सबके प्लान बनाएंगे। ठीक है, फिर इनको करने के लिए हरेक में क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, क्या लीडरशिप होगी, क्या मोटिवेटिंग फैक्टर होंगे, ये सब डिसाइड करके इन सब चीजों को। बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करने की जो पॉलिसी, ये फॉल्ट फाइंडिंग ना हो के इंटरेक्शन कम्युनिकेशन से कहां कहां कमी है उसको निकाल के सुधार करना। ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑडिट की रिपोर्ट्स किस तरह होंगी, मैनेजमेंट ऑडिट की रिपोर्ट कैसी प्रिपेयर करेंगे ये जरा हम सोचते हैं। हाँ जी, अब आ जाइए मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ये जो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट होगी ये ओरल रिपोर्ट होगी। कैसी होगी, ओरल होगी, पहले ओरल रिपोर्ट दी जाएगी, फिर इंटरिम होगी, फिर रिटेन होगी। ओरल, इंटरिम, रिटेन रिपोर्ट, उसके बाद में एक उसकी समरी रिटेन रिपोर्ट। क्लियर, ये बेसिक मेन मेन पॉइंट होगी जैसे आप फ्लैश रिपोर्ट बनाते हैं। ये तो रिपोर्ट होंगी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले तो टाइटल होगा, टाइटल होगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर स्कोप होगा, स्कोप होगा, फाइंडिंग होंगी, कंक्लूजन होंगे, सजेशन होंगे, रिकमेंडेशन होंगे, उसके बाद में जिसका ऑडिट हो रहा है उसके ऑडिटी के व्यू होंगे, ऑडिटी का क्या व्यू है, और उसके बाद में इसकी एक समरी तैयार की जाएगी। अब इस मैनेजमेंट ऑडिट में दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आदमी उसी डिपार्टमेंट के जो दिन रात एक साथ काम करते हैं वही आपस में एक दूसरे का ऑडिट कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वो कुलीग ही होते हैं, सीनियर होते हैं, कुलीग होते हैं, साथ काम करते हैं, साथ लंच करते हैं, साथ फंक्शंस करते हैं, साथ मीटिंगों में डिस्कस करते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइन चेन है उसको अलग करके ये जो काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आपस में बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट इन मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल एस्पेक्ट। ठीक है, एक तो कुलीग होते हैं ओन डिपार्टमेंट के, इसको जो करते हैं वो कुलीग होते हैं ओन डिपार्टमेंट के, स्टाफ होता है कई बार ऑडिटी डिपार्टमेंट, सीनियर का ऑडिट, जैसे मान लो बैंक है, बैंक के अंदर इंस्पेक्शन होता है, बैंक का ही स्टाफ जाता है और जो ऑडिट करने जा रहा है वो तो ऑफिसर रैंक का है, लेकिन हो सकता है जिस ब्रांच में जा रहा है वहां की ब्रांच होल्डिंग चीफ मैनेजर या एजीएम लेवल, डीजीएम लेवल की ब्रांच है, तो वहां पर क्या है, ठीक
ठीक है। तो टॉप मैन, फिर टॉप मैनेजमेंट से इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी तक जितने हमने ऑडिट किए थे वो ऑडिट फिगर से, फिगर से मतलब ये वाली फिगर से, नॉट ये वाली फिगर से, समझे, फिगर से डील करते थे, और ये डील करता पीपल से, समझे। एक बंदा कह रहा आई लव फिगर्स दैट, ठीक है, लेकिन वो फिगर कौन सी वाली, अकाउंटिंग वाली, वो वाली फिगर नहीं, ये वाली, ओके। तो ये जनरली हमने अभी तक जो ऑडिट पढ़े थे वो फिगर्स से मैच करते हैं, यहाँ पे पीपल से, कि आदमियों से कैसे काम की लिया जा सकता है। तो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट आते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके क्या कॉजेज हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है, ये हमें समझना। हाँ जी, मैनेजमेंट ऑडिट में हमें समझना क्या, इसके क्या कॉजेज हैं और क्या सॉल्यूशन है। कॉजेज देखिए, एक तो होती है लाइन, लाइन जो बताया डीजीएम, ये लाइन मैनेजमेंट होता है, जो एडवाइजर होते हैं वो स्टाफ वाले होते हैं, तो लाइन और स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइन पे पावर होती है जीएम है, और जो एडवाइजर होते हैं चार्टर्ड कंसल्टेंट है, लीगल एडवाइजर, तो इसी तरह जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं, तो वो लाइन और स्टाफ का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इसलिए होता है कि जो एडवाइजर होता है, जो सलाह देने वाला होता है, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं इनसे जानता जानता हूं, जबकि लाइन वाले क्या कहते हैं, मैं बड़ा अफसर हूं, ठीक है। तो वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनको पता ही नहीं लगता तुम तो ऑफिसर हो, और जो जीएम बैठा हुआ है जो लाइन पे, वो इसको जो है ना, जो एडवाइजर है जो मैनेजमेंट ऑडिट कर रहा है उसको कुछ समझता ही नहीं है, ये अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कहते हैं हम तो 15 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है, एडवाइस तो कुछ भी दी जा सकती है, एडवाइजर जो होते हैं, एडवाइजर तो उसी तरह के हो गए ना जैसे बाबा कृपा, कृपा होगी एक बाबा समोसे खाने से कृपा होगी, हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाने से कृपा होगी, इसी तरह एडवाइजर कोई भी विदाउट फिजिबिलिटी स्टडी करके कोई भी एडवाइस दे देते हैं, फिजिबिलिटी के बिना कि वो वास्तव में जो एडवाइस है वो फिजिबल है या नहीं। अब जो लाइन होती है, झगड़ा होता है, वो ना तो उनके संग लाइन वाले, वो ना तो स्टाफ, जो स्टाफ होता है इसको स्टाफ कहते हैं, मतलब जो एडवाइजर होता है उसे अथॉरिटी नहीं होती, एडवाइजरी स्टाफ होता है, तो स्टाफ वालों को ना तो कॉपरेट करता, नो कॉपरेशन, ना कोई नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखता, ना उसको सीरियसली लेता, उसको सीरियसली भी नहीं लेता, ये सारी प्रॉब्लम आती है। और उसको सीरियसली लेता नहीं है, और जो स्टाफ है वो एडवाइस देते समय लाइन वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता, लाइन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता, इस तरह ये जो है लाइन और स्टाफ का कंफ्लिक्ट चलता रहता है। अब दूसरी चीज होती है, तो ये तो पहला कॉल हो गया लाइन एंड स्टाफ का कंफ्लिक्ट। अब दूसरा होता है कंट्रोल की दिक्कत। दूसरा क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट है लाइन वाला है, जो कंट्रोल वाला जो है, पहला तो हो गया लाइन स्टाफ कंफ्लिक्ट, ये मैंने आपको बता दिया,
दूसरा होता है कंट्रोल, क्योंकि इस जो लाइन वाला आदमी है वो सोचता है ये रिपोर्ट टॉप पर जाएगी तो सही तो होगा जब होगा, अभी तो हमारा क्रिटिसिज्म हो सकती है, नौकरी से बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई हैं सैक हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा काम करना पड़ सकता है। ठीक है, शेक हो सकते हैं, प्यूनिटिव एक्शन हो सकता है। तीसरी जो चीज होती है चेंज, ऑडिटी जो है डज नॉट वांट चेंज, ऑडिटी चेंज चाहता ही नहीं है, वो कहता नो चेंज, जबकि स्टाफ जो कि ऑडिटर होता है वो रिकमेंड करता है चेंज। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब इनको, इन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन टू सच प्रॉब्लम। अब हमें समझना क्या है सॉल्यूशन। हाँ जी, अब समझते हैं सॉल्यूशन, इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। तो सजेशन ये, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट बताने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो। ओके, यदि कोई डेफिशिएंसी बताए तो डेफिशिएंसी के साथ में सजेशन होने चाहिए। ओके, साथ में मैक्सिमम सर्विस देनी चाहिए, यदि आधी अधूरी बात बता दी, ये सब किसके लिए, जो ऑडिटर है उसके लिए बता रहे हैं, ये ऑडिटर के लिए बता रहे हैं कि ऑडिटर को किस तरह काम करना है मैनेजमेंट में, मिनिमम इंटरफेरेंस ड्यूरिंग ऑडिट, इस तरह काम करना चाहिए कि उसमें कम से कम इंटरफेरेंस हो, मिनिमम इंटरफेरेंस। फॉर्मल रिपोर्ट देने से पहले फॉर्मल रिपोर्ट देने से इनफॉर्मली डिस्कस कर लेनी चाहिए, ये नहीं कि सीधी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट पे पहुंच ली जिससे कि पता लग सके। फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया दी, जो क्रिटिसिज्म भी हो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ये नहीं कि पूरी पूरी क्रिटिसाइज कर दिया। गुड रिपोर्टिंग मेथड होना चाहिए, कैसा, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग मेथड होना चाहिए। कुल मिला के ऐसा गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए जैसे मोदी जी ने कहा, और हर आदमी झाड़ू लेके स्वच्छ भारत, कि भाई हम जो काम कर रहे हैं यदि स्वच्छ करना, ये नहीं दूसरे को कि हाँ जी भारत बहुत गंदा है और ये है, ना कोई प्यूनिटिव एक्शन ना कुछ, लेकिन एक एनवायरनमेंट कर दिया कि एनवायरनमेंट हो गया, लोग क्रिकेट का बल्ला उठाने की जगह झाड़ू उठा के सफाई में लग गए, इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना चाहिए मैनेजमेंट ऑडिट के लिए। ओके, अब क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तीन लोग होते हैं,
इसमें तीन थ्री पार्टी होती है, थ्री पार्टी होती है। एक तो होता है ऑडिटर, एक होता है ऑडिटी और एक होता है मैनेजमेंट। ये आम पार्टी नहीं बनाई है। ऑडिटर होता है एक टिकटा निशान वाला, एक ही है जिसकी गलती निकलती है, और एक ये होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसकी सिचुएशन कैसी कैसी होती है। ऑडिटर तो ऑब्जेक्टिव है मान लो, लेकिन ये ऑफेंसिव है, और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इनडिफरेंट है। सेकंड, ऑडिटर है कैंटेंकरस, ऑडिटर कैंटेंकरस है, ऑडिटी है प्रोग्रेसिव, मैनेजमेंट है इंडिफरेंट। ऑडिटर प्रोग्रेसिव है, ये पार्टिसिपेटिव है, और मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव है। ये तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो जब ये वाली सिचुएशन हो तभी मैनेजमेंट ऑडिट सक्सेसफुल होगा, तभी ये मैनेजमेंट ऑडिट करना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोग क्या समझे मैनेजमेंट ऑडिट में। मैनेजमेंट ऑडिट में हम ये समझे कि टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन की ऊपर ऊपर से लेके ओवरहॉलिंग उन्हीं लोगों द्वारा वहीं के कुछ स्टाफ को इस पर्टिकुलर काम में डेप्यूट किया जाता है कि किस तरह पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है बाय पार्टिसिपेटिंग लोगों को। मान लो कोई जिस तरह बनाए जाते हैं ना सजेशन बॉक्स बनाए जाते हैं, सजेशन बुक होती है जिनसे ये पता लगे कि क्या क्या कमियां हैं और उन पर सुधार किया जा सके, ये उसी तरह का एक प्रयास होता है मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो ये हम ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में इतना आपको आउटलुक दे के बाकी आप अपनी जो मैनेजमेंट की नॉलेज है उसके बेसिस पे इसकी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। मेन इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो आता है बिहेवियरल एस्पेक्ट इन द मैनेजमेंट ऑडिट, इस पे जनरली क्वेश्चन आ सकता है या क्या क्या डिफिकल्टी आती है मैनेजमेंट ऑडिट करते समय, ये सारी चीजों पे कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का इवन 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बेसिकली आप 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है अब एक आता है ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में क्या फर्क है। हाँ जी, जो मैनेजमेंट ऑडिट है ये ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कितना कैसे काम कर रहा है पूरा मैनेजमेंट सिस्टम का, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट बाय मैनेजमेंट है। ये ऑफ द मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ऑडिट, और ऑपरेशनल ऑडिट बाय द मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का है, उसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस देखे
कि भाई हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो उसमें रिजेक्शन ज्यादा आ रहे हैं या स्पीड कम आ रही है। और कंपनियां जो है एक दिन में 50 स्कूटर बना लेती हैं 50 सेम प्लांट पे, हमारे यहाँ 42 कैसे बन रहे हैं। तो ये जो है पर्टिकुलरली प्रोडक्शन की हो गई या सेलिंग में हो गई, हमारे यहाँ रोजाना लेट कैसे हो जाते हैं। तो ये जो अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जो वेरियंस आते हैं, तो यहां पर हमको लगता है कि कहीं हमारी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस कम है, तो मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर ऑपरेशन की एक्टिविटी का अप्रेजल करने के लिए ऑपरेशनल ऑडिट कराता है। ये जनरली क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशनल ऑडिट का क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट ऑडिट से, तो मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट इज ऑडिट इज द ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज फॉर द मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन। वो मैनेजमेंट ऑडिट है टॉप टू बॉटम, ये एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का है, परचेज का है, सेल का है, ये उसके फैक्ट्री के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या ऑपरेशन का है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल ऑडिट से कैसे डिफर है। फाइनेंशियल ऑडिट जो है केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, ये ऑल एक्टिविटी देखता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। उसका मतलब फाइनेंशियल की ट्रू एंड फेयरनेस है, इसका पर्पज है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट में रिपोर्ट दी जाती है, इसमें रिपोर्ट के से ज्यादा सजेशन दिए जाते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट सीए द्वारा किया जाता है, ये सीए के द्वारा भी किया जा सकता है और किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटरी कंपल्सरी होता है, मैनेजमेंट ऑडिट और ये जो ऑपरेशनल ऑडिट है ये कंपल्सरी नहीं होते, ये एट द इंस्टांस ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट जनरली इंडिपेंडेंट लोगों से कराया जाता है, ये कंपनी के ही स्टाफ होते हैं, इंटरनल भी कराया जा सकता है, एक्सटर्नल भी कराया जा सकता है। फाइनेंशियल ऑडिट जनरली ईयरली होता है, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ऑपरेशनल ऑडिट में चार चीजें आपको बेसिकली समझनी है ऑपरेशन की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। सबसे पहला ये बेसिकली आप पीएसयू में भी यदि परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, वो बेसिकली प्रोप्राइटरी एंड प्रोफेशनल जो परफॉर्मेंस ऑडिट है भाई, जो प्रोप्राइटरी ऑडिट प्लस परफॉर्मेंस ऑडिट जो आपने पढ़ा पीएसयू का, ये भी एक तरह का ऑपरेशनल ऑडिट है, क्योंकि ये क्या देखता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इन दोनों में फर्क आपको पता होगा। इफेक्टिवनेस है गोल अचीव करने से, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी का मतलब गोल अचीव विद इन बजट, जितना बजट था या जो हमारा डिजायर्ड कॉस्ट थी उस पर हमने, तो ये दोनों चीजें ऑपरेशनल ऑडिट देखता है। तो इसके लिए हमें ये क्या क्या करता है ऑपरेशन, सबसे पहले इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ appraisal of control, appraisal of control, third is appraisal of objective and plans, appraisal of objective and plans, and उसके बाद appraisal of ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
ये तो सर इंटरनल ऑडिट की तरह हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हाँ हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इंटरनल कंट्रोल से। ये सूच का डिफरेंस है, परसेप्शन का डिफरेंस है थोड़ा सा, इशू का, परसेप्शन का और ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का। तीनों का डिफरेंस क्या है ये हम समझते हैं। तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, जो इंटरनल ऑडिटर पहले तो जो है अप्रेजल करता है ये परफॉर्मेंस का, कंट्रोल का, लेकिन अल्टीमेटली वो अकाउंटिंग कंट्रोल पर चला जाता है। ओके, क्योंकि मान लो 2500 रुपए की रिपेयर हुई, तो इंटरनल ऑडिट ये देखेगा यार 2500 रुपए का ये दुरुपयोग हुआ, 2500 रुपए बेकार गए। लेकिन जबकि ऑपरेशनल ऑडिटर क्या करेगा, वो देखेगा यार मेंटेनेंस ऑफ द मशीन नहीं हो रही है, चाहे 2500 की जगह 5000 रुपए खर्च हो जाए। वो ऑपरेशनल ऑडिटर क्या देखेगा कि मेंटेनेंस होनी चाहिए। इशू भाई, ये जो इंटरनल ऑडिट तो काफी सदियों से चला आ रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन ये जो है ये न्यू कंसेप्ट है, कुल मिला के हम समझ सकते हैं ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट का एक एक्सटेंशन है। इंटरनल ऑडिट एडियरेंस ऑफ द प्लान है और ये जो है फुलफिलमेंट ऑफ द प्लान है। ओके, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दिया ऑपरेशनल ऑडिट के लिए। तो मेरे ख्याल से दिस इज सफिशियंट टू नो समथिंग अबाउट द ऑपरेशनल ऑडिट। ओके, आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।